हमें पिक्चर बहुत अच्छी लगी और ये 100% बंटी और बबली चलने वाली है। जैसे लग रहा था कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल सूर्यवंशी भी आया है, लेकिन सूर्यवंशी और ये तो मैं वे फर्स्ट प्रेफरेंस इसको बंटी और बबली को दूंगी। बंटी और बबली पार्ट वन आपने देखी है? हाँ जी देखी है। इसके अंदर अभिषेक रानी थी, इसमें सैफ अली और रानी, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? लेकिन वो दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन सैफ अली खान भी इसके साथ रानी के साथ बहुत अच्छे लग रहे, और स्टार कास्ट जो नया है वो भी बहुत अच्छे है, उसके किरदार भी बहुत अच्छे हुए। मूवी अच्छी है बट आई थिंक फर्स्ट इज बेटर। मैं 4.700% दूंगी इसको। आपको गाने अच्छे लगे इस पिक्चर के? हाँ गाने अच्छे लगे। मेरे को सबसे ऐसी वो पप्पू जो छोटा बच्चा था उसकी भी बहुत पसंद आई, और जो उसमें किरदार था रानी का उसका हिंदी बहुत अच्छा था, यानी पंजाबी लैंग्वेज जो अच्छी थी उसकी। नहीं एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा था बट उससे थोड़ी सी कम है, एक्सपेक्टेशन से कम है। आई थिंक मूवी के कॉस्ट्यूम्स और मूवी की स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है। Okay. वो बेस्ट है। ये सब के बारे में क्या कुछ बताना? सॉन्ग्स उतने खास नहीं है, फर्स्ट के बेटर है। सो ये हिट होगा या फिर फ्लॉप होगा आपके? फ्लॉप तो नहीं होगी बट आई थिंक एवरेज हिट बोल सकते हैं। ओके आउट ऑफ 5 स्टार कितना दोगे आप? 2.5। बंटी और बबली की अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसके अंदर अभिषेक और रानी थे, बट इसमें सैफ अली खान और रानी है, उसके बारे में आपका क्या? अभिषेक की कमी ऐसी खलती नहीं है बट ओवरऑल मूवी वाइज वो बेटर थी। थैंक यू। बंटी और बबली मुझे तो अच्छी लगी, मज़ा आया। हाँ। क्योंकि बहुत दिनों बाद देखी। हाँ। सूर्यवंशी को देखे हुए भी टाइम हो गया। हाँ। तो मज़ा आया। बंटी और बबली फर्स्ट पार्ट देखी है आपने? हाँ जरूर देखी है। तो आपका अभिषेक और रानी थे इसमें, सैफ और रानी है, तो आपको क्या कहना है? देखिए अभिषेक बच्चन का उसमें जो रोल था वो अलग था, इसमें जो रोल है ये अलग है, और उसमें वो सूट करता था, और इतने सालों के बाद अभी रानी और अभी से ये सैफ अली खान की जोड़ी भी जमती। पिक्चर में सबसे बेस्ट सीन आपको कौन सा अच्छा लगा? बेस्ट सीन देखिए पंकज त्रिपाठी का रोल हमको बहुत भाग गया, उसका रोल इतना अच्छा है ना इसमें। बाकी तो नाटक है, ड्रामा है, मज़ा आता है, इंटरटेनमेंट होता है, एक एक सीन बताते हैं बाहर का तो और मज़ा आता है। गाने के बारे में आपका क्या कहना है? रानी का रोल अच्छा है, थोड़ा सा ओवर एक्टिंग है, कपड़े ने चश्मा ने वो थोड़ा ओवर एक्टिंग लगती है, लेकिन अभी वो पंजाबी का जो रोल की है उसमें वो सूट करती है। पिक्चर के गाने कैसे लगे आपको? पिक्चर का गाना एक अच्छा है। हाँ। बाकी कोई वो जरूरी नहीं है। आप कितना एंड पिक्चर के एंड के क्लाइमैक्स के हिसाब से आप आपको अच्छा लगा? हाँ, 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 हाँ। उसके बारे अच्छा में कहना आपको? नहीं क्लाइमैक्स अच्छा है। ये कितना रेटिंग दोगे आप इस पिक्चर? मैं रेटिंग 5/3 दूंगा। मैं परफेक्ट कमबैक था ये थिएटर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा मूवी है। आपको कैसे लगा? नाइस। अच्छा बंटी और बबली वन देखी है आपने? जी देखी है। आपको आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी है भाई, उससे भी अच्छा है। रानी मुखर्जी का रोल, रानी मुखर्जी इज अमेजिंग। फर्स्ट पार्ट में अभिषेक रानी थे, इसमें सैफ रानी है, तो बट रानी कांस्टेंट है डेफिनेटली। वो थोड़ा डिफरेंस था लेकिन इट्स ओके, सैफ डिड हिज बेस्ट, सो अमेजिंग मूवी। व्हिच पार्ट व्हिच सीन डिड यू लव द मोस्ट एंड एंजॉयड? I guess the climax and definitely the song which जिसमें मेरा kid है, so वो भी one, he is the one in the movie। कौन से गाने में? दिच्छिक दिच्छिक song में जिसका मुंडन था वो इसका था। okay, okay, okay. So yes, he was actually turned bald and then shoot हुआ था, yes। so अच्छा आप कितना rating दोगे इस picture को? 5/5। पिछले देखने के बाद मैं I'm very much upset यार, तो मैं यश चोपड़ा से मैं बोलूँगा भाई घाई घाई में पिक्चर में बनाओ, पैसे ज़्यादा वगैरह दे दो हमें यार, सीरियसली यार, लॉकडाउन में वैसे भी पैसे वैसे नहीं हमारे पास, हमें ही दे दो कुछ भी पिक्चर बना दो, ऑडियंस को यू एक्सपेक्ट यार, एकदम यू आर जस्ट मेकिंग अस अ फूल यार। बंटी और बबली पहला मूवी क्या था, एक फटाखा था यार, इसके सामने ये कुछ भी नहीं। वहाँ पे तो ताजमहल बेच आते, यहाँ तुमने गंगा नदी वही घुमा फिरा के वही खानी दे दिया, गंगा नदी बेच दिया, वही कमांडो घसीना बता कुछ भी यार कर दिया। माउंट आबू में जाके अपना बजट बढ़ा दिए, माउंट आबू में वहाँ अबू धाबी में जाके क्या 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 करवाना क्या चाहते थे यार, मुझे समझ में नहीं आया पिक्चर में था क्या। फालतू में बोरिंग मूवी, बोरिंग, सर दर्द हो रहा अभी भी मेरा, मतलब कि कान बज रहा है मेरा। आपको क्या नहीं अच्छी लगी? सैफ अली खान इसके लिए नहीं अच्छी लगी? सैफ अली खान वो बात नहीं है, सैफ अली खान है चलो सही है, आप बंटी बबली का हीरो ही चेंज कर दिए, चलो मानता हूँ कि आप हीरो चेंज कर दिया है, मतलब कि आप स्टोरी पर काम नहीं है, मतलब शुरू का जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है 35 से 40 मिनट बहुत अच्छी लगती है मूवी, उसके बाद इस तरह
बैठ जाती है मूवी, मतलब कि खत्म ही हो गया पूरा, एंड तक ले जाती है। तो आपने वन देखी है, पार्ट वन देखी है? एक बार नहीं, दो दो बार देखी थी, मेरे को याद है 2006 या 7 में। आपको कैसे लगा फिर ये पिक्चर? वो यार वो मूवी बहुत अच्छी थी, उससे अगर कंपेयर करें ना, मैं कंपेयर करूंगा ही नहीं, कि वो अपनी जगह पर हिट मूवी है, ब्लॉकबस्टर मूवी थी वो उस जमाने में 2007 या 6 में। ये यार क्या बना दिया, जैसे लग रहा है कि अभी तो लास्ट में उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि बंटी बबली 3 भी बनाएंगे। मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपना 3 बनाना ही मत, मतलब यहाँ 2 बर्दाश्त नहीं हो रहा, 3 कौन बर्दाश्त करेगा। गाने के बारे में क्या कहना है? गाने जो एक अच्छे थे, टैटू वाला, वो भी क्लाइमेक्स में डाल दिया, और फर्स्ट हाफ में एक सॉन्ग है वो भी, मतलब सॉन्ग पर कोई काम नहीं किया गया, कोई अच्छे सॉन्ग नहीं है, टैटू वाले सॉन्ग है वो भी एंड में डाला गया, उसके लिए थोड़ी ना आएगा यार कोई, उससे अच्छा तो मोबाइल पे ही देख लेगा आदमी। पहले पार्ट में तो बंटी बबली सिर्फ रानी और अभिषेक थे, इसमें राज सैफ और सिद्धार्थ और सरवरी, इनका काम, इनके ही वजह से शुरू का 35-40 मिनट अच्छी लगती है, उसके बाद जो इस फोकस कर दिया पूरी मूवी को रानी और सैफ के ऊपर, ये लोग ना पूरे मूवी को ना खा गए। अच्छा तो आप कितना रेटिंग दोगे? मैं 2 स्टार दूंगा मूवी को। सीन अच्छी लगी क्या आपको? सीन्स, अरे इसमें एक बच्चा है रानी मुखर्जी, हाँ। और सैफ अली खान का एक बच्चा है, बेटा है उसका, उसका जब जब स्क्रीन पर आता है ना वो बंदा, मेरे को तो ऐसा लगा ना कि यही इसी को लेकर बंटी बबली 2 बनाना चाहिए था, उससे अच्छा काम तो वही किया है, छोटा बच्चा उसका बेटा, फालतू मूवी फालतू, मत आओ मत देखना भाई कोई भी। देखिए अभिषेक ने अपना कैरेक्टर उनके मूवी के हिसाब से अच्छी तरह से निभाया सैफ अली खान में, यहाँ पे सैफ अली खान को 2 रोल्स में निभा, एक पहला लाइक अनफिट टाइप का जो ट्रेन वाला जो नॉर्मली कैजुअली मैनेज है, फिर बाद में उनको अबू धाबी में देखा वेर ही इज फिट लाइक बिजनेस टाइकून फ्रॉड एक माफिया तौर पर। सैफ अली खान ने रानी में सारे जितने भी एक्टर्स हैं, जितने भी जो नए हैं बच्चे से लेकर बूढ़े तक, जो त्रिपाठी सर जो पुलिस का रोल जो अमिताभ बच्चन का किए, सब ने अपना कैरेक्टर सब अच्छी तरह से प्ले किया, बट योर स्क्रिप्ट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, स्क्रिप्ट में जो होना चाहिए ना वो नहीं, आपने अपना होमवर्क नहीं किया, जो डायरेक्टर्स हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ प्लीज़ आपने अपना होमवर्क नहीं किया, जो स्क्रिप्ट की जो बोलते हैं ना जो पावर पंचिंग लाइक पंचिंग डायलॉग्स होने चाहिए कॉमेडी पंचेज, इंसान थिएटर में से निकलने का मन ना करे, तो ऐसा लग रहा है हम लोग बार बार बोल रहे क्या यार फर्स्ट हाफ भी लाइक हाँ ठीक है चलो देख लेते हैं सेकेंड हाफ ठीक लगेगा, जब जहाँ लगा सेकेंड हाफ ठीक लगने लगा फिर वही लाइक घुमा फिरा के वही स्टोरी हो गया, लेकिन कुछ नया नहीं मिला। गाने के बारे में क्या कहना है? क्या है गाने में भाई, गाने में कुछ नहीं, एक टैटू सांग, अब टैटू करवाने को कोई जाएगा नहीं देखने के लिए, वो जो अब पहले बंटी और बबली में देखा अश्विन रहेगा चैन वैन होगा, वो जो आइटम सॉन्ग देखने के लिए मोर ऑफ द पीपल समटाइम यू एंटर, और वो सिंगर इतना बड़ा आपके पास जो सिंगर है रैपर है उसको भी गवाए नहीं ढंग से, क्या है भाई पैसे से फूक के आ गया तुम लोग, मैं 1.5 दूंगा, मैं तो वो भी छीन लूंगा यार सीरियसली।